गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, सो दिस इज वैशाली मैम विद योर इंग्लिश क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम योर इंग्लिश कोर्स बुक, दैट इज वी आर द वर्ल्ड। चिल्ड्रन, दिस इज अ सॉन्ग, दिस इज अ सॉन्ग रिटन बाय वेल नोन राइटर, सिंगर एंड ब्रेक डांसर मिस्टर माइकल जैक्सन एंड Lionel Richie. Lionel Richie was also a singer, an actor, and a well-known personality, American personality. Okay, and they both came together with this song to help the people of Africa, where they were facing a famine, a very bad condition where there is lack of food. Okay. So for that they came together and they wrote and recorded this song in 1985, and they collected around $63 million at that time. Okay, and with that money they helped the people of Africa. Okay, ये जो poem है, ये जो song है, actually it is a song. So it was written by, किसने लिखा है इसको, Michael Jackson and Lionel Richie. उन्होंने इसे लिखा भी था और गाया भी था, एंड इट वॉज़ एक्चुअली अ फंड रेजर। उस समय पर अफ्रीका जो था वो बहुत बुरे फेमाइन कंडीशन से गुजर रहा था, बहुत बड़ा अकाल पड़ा था अफ्रीका में, और वहाँ के लोगों को हेल्प करने के लिए माइकल जैक्सन और लायनल रिची ने ये प्लान किया, एंड दे मेड दिस सॉन्ग एंड दे सोल्ड इट, दे सैंग इट एवरीवेयर, एंड विद दैट दे कलेक्टेड, उन्होंने अराउंड $63 million कलेक्ट करके कहाँ पर दिए, अफ्रीका में। ओके, ताकि उन लोगों को उस अकाल में जहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, उस समय पर लोगों को मदद मिल सके। ओके, सो प्लीज़ कम टू पेज 41 इन योर बुक। ओके चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ अ वार्म अप एक्सरसाइज। Being compassionate is to feel or show sympathy or concern for others in pain or distress. Being compassionate. What is compassionate, children? Compassionate means dayalu. Okay. Feeling of showing concern. किसी की तरफ ध्यान रखना, किसी का ध्यान रखना, that is called compassion. Is to feel or show sympathy and concern for others. Okay. Sympathy means pity. किसी के लिए पिटी करना, उसके ऊपर हम उसके साथ संवेदना जब रखते हैं, ओके, उसे सिंपैथी कहते हैं। एंड कंसर्न, केयर करना किसी की, फॉर द अदर्स इन पेन और डिस्ट्रेस। अगर कोई किसी सफरिंग में है, पेन में है, किसी दर्द में, किसी तकलीफ से गुजर रहा है, उस सबके लिए अगर हम अपना आगे बढ़कर मदद करते हैं और उनकी फील, उनकी जो सिचुएशन है उसको समझ कर उनकी मदद करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ सिंपैथेटिक बिहेवियर। ओके, so here are some situations given in this warm up exercise. There are some situations given, and in this situations, children, you feel yourself कि अगर आप उस situation में होते तो आप क्या करते। Okay, it is just you have to feel, you have to describe yourself कि आप उसको क्या करते, ठीक है। First one is, your mother had a very tiring day. Your mother has had a very tiring day. She is nevertheless working hard to get dinner on the table. So what you can do? You also care for your mother, okay? So अगर मम्मी पूरा दिन भर थक चुकी है, उसके बाद भी वो काम करके आपको रात का खाना बना के दे रही, तो आप वहाँ क्या कर सकते हैं, उनकी कुछ हेल्प कर सकते हैं किचन में जाकर, ओके? वो आप अपने मदर की केयर करते हैं, इसलिए आप उनके साथ में जाके उनका हेल्प कर देंगे, टेबल सेट कर देंगे, या फिर सैलेड वगैरह बना सकते हैं, है ना, तो उनकी वो हेल्प हो जाएगी। देन नंबर 2, यू हैव, यू नोटिस अ पर्सन ऑन क्रचेस स्ट्रगलिंग टू ओपन अ डोर। कोई इंसान है जो बैसाखी पर है और वो कोशिश कर रहा है किसी दरवाजे को खोलने के लिए, व्हाट विल यू डू? यू विल कम फॉरवर्ड टू हेल्प दैट पर्सन। हम उसकी हेल्प करने जाएंगे, ओके? उनको हम जा कर के उनकी डोर ओपन करने में हेल्प करेंगे, दैट इज़ अ हेल्पफुल बिहेवियर टूवर्ड्स दैट पर्सन, ओके? देन थर्ड, इन द थर्ड कंडीशन, अ पर्सन फॉल्स डाउन एंड हर्ट हर सेल्फ और हिमसेल्फ।
अगर कोई गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है तो आप उस समय पर क्या करेंगे? हंसेंगे? नहीं, आप जाएंगे आगे बढ़ के उनको उठाएंगे, उनकी मदद करेंगे, चोट लगी है तो दवाई लगाने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। देन यू लर्न अबाउट अ चाइल्ड हु इज़ नॉट गोइंग टू गेट एनी प्रेजेंट ऑन हिज और हर बर्थडे बिकॉज हिज और हर पेरेंट्स कांट अफोर्ड देम। ओके, एक बच्चा है जिसको उसके बर्थडे पर कोई प्रेजेंट नहीं मिलने वाला, ठीक है, क्योंकि उसके मम्मी पापा दे कांट अफोर्ड, दे डोंट हैव मनी टू बाय द प्रेजेंट फॉर दैट चाइल्ड। सो वॉट यू कैन डू, वी कैन हेल्प इट आउट, वी कैन टेक समथिंग्स अ वेरी स्मॉल थिंग एंड वी कैन गिव टू दैट पर्सन, ओके, दैट विल मेक हिम और हर हैप्पी, है ना। कोई ऐसा बच्चा है जिसको हम जानते हैं उसके मम्मी पापा उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, हम उसका बर्थडे छोटा सा सेलिब्रेट कर सकते हैं, या उसको कोई चॉकलेट लेकर दे सकते हैं, कोई गिफ्ट लेकर दे सकते हैं। ओके, सो दीज आर ऑल द चिल्ड्रन, ऑल द सिचुएशंस चिल्ड्रन वेर यू शो योर सिंपैथी। ओके, इफ इट इज़ रिलेटेड टू योर मदर दैट इज़ द केयर। ओके, वो हम अपने इंसान के लिए जब केयर करते हैं, है ना, वो हम केयर करते हैं एक दूसरे की। लेकिन अगर कोई बाहर है कोई व्यक्ति जिसका हम मदद कर सकते हैं, देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग केयर ऑफ दैट पर्सन, विद दैट वी आर शोइंग सिंपैथी टू दैट पर्सन, है ना, हम उसे संवेदना दे रहे हैं अपनी, है ना, इस तरह की फीलिंग्स के साथ हम अपनी सोसाइटी में लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और इस चीज़ को चिल्ड्रन, विद दिस सिचुएशन वी आर फेसिंग दीज डेज, सबसे बड़ी सिचुएशन, हमने इतना बड़ा लॉकडाउन फेस किया, ओके, वी हैव फेस्ड अ वेरी लॉन्ग लॉकडाउन दीज डेज, ओके, एंड वॉट वी हैव सीन, मैनी पीपल केम फॉरवर्ड टू हेल्प अदर पर्सन, जो कि रोज़ अर्न करने वाले थे या जिनको जिनके जॉब्स चले गए थे, तो हमने देखा बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी थी, बहुत सारे ऐसे एसोसिएशंस थे जो सड़कों पर आए, जिन्होंने ऐसे लोगों की मदद की, खाना दिया, चप्पलें दी, है ना, उनको क्या बोलते हैं, जो उनकी ज़रूरत का सामान था, उनको राशन वगैरह था, वो सब अवेलेबल करवाया। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द कंसर्न, योर कंसर्न टुवर्ड्स द सोसाइटी, एंड दिस इज़ हाउ पीपल वर कमिंग फॉरवर्ड टू फेस दिस डिफिकल्ट सिचुएशन इन इंडिया। वी हैव सीन नॉट ओनली इन इंडिया, अराउंड द वर्ल्ड पीपल आर हेल्प ट्राइंग टू हेल्प ईच अदर इन दिस हार्ड टाइम, एंड वी आर ऑल फेसिंग दिस दीज डेज। हमने बहुत अच्छे से देखा है कि COVID-19 या कोरोना वायरस के बीच में वॉट वॉज द सिचुएशन एंड हाउ पीपल केम इन एवरी इन द स्मॉल लोकेलिटी, छोटे से छोटी जगह में, बड़े से बड़े प्लेस में लोग आगे आए, बड़े सिटीज़ में क्या, रेलवे स्टेशन के आस पास, जहाँ तक वो लोगों की मदद कर सकते थे उन्होंने लोगों की मदद कर। तो इस सॉन्ग में भी वही चीज़ बताई है बेटा, दैट वी ऑल आर द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, हम सबके रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ पर, अगर हम हैं वी यू शुड नॉट वेट फॉर अदर्स टू हेल्प, वी कैन टेक दैट सिचुएशन, हम छोटे से उसमें भी किसी की भी हेल्प कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं, है ना। वी विल रीड दिस फर्स्ट, read the song that a group of famous artists known as United Support of Artists USA for Africa wrote and recorded in 1985 to generate awareness and funds for an African famine. The song raised over $63 million at that time. It remains to this day one of the few singles in this history of music that has sold more than 20 million copies. Okay, so it was just a single song and it was recorded by the famous artist. Okay, and it was a, you can say, a group of people. What is a group of famous artists known as United Support of Artists USA, and these people came together to help the people of Africa to face the situation of a famine. Famine मैंने आपको पहले ही बताया, a lack of food over a long period, जब लोगों को बहुत दिनों तक खाना नहीं मिल पाता, जो basic need है उनकी, उतना भी food वो अगर available नहीं हो रहा है उस जगह पर, that is called the period of starvation, अकाल कहा जाता है, ठीक है। तो ये लोग साथ में आए एंड नाउ 1985 में दे केम टुगेदर, दे रिकॉर्डेड द सॉन्ग, और ये एक सिंगल सॉन्ग था जो कि रिकॉर्ड किया गया
इसको सेल किया गया, इसके जो रिकॉर्ड्स थे, इसके जो कैसेट्स थे, है ना, रिकॉर्डिंग होती पहले कैसेट्स और रिकॉर्ड्स में बिकते थे, ओके, तो वो सब जब सेल हुए, अराउंड 20 मिलियन कॉपीज़ जो थी इस सॉन्ग की सेल हुई, और उस सब से मिला करके 63 मिलियन डॉलर्स इकट्ठा किया गया, जो कि अफ्रीका के लोगों की मदद करने के लिए किया, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन दिस सॉन्ग। देयर कम्स अ टाइम व्हेन वी हीड अ सर्टन कॉल, व्हेन द वर्ल्ड मस्ट कम टुगेदर एज वन, देयर आर पीपल डाइंग एंड इट्स टाइम टू लेंड अ हैंड टू लाइफ, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. Okay, sometimes there are difficult times in the world. हमेशा कई बार ऐसे situations आती हैं, difficult time आता है, कहीं भी कई बार earthquake आ जाता है, या कहीं पर बाढ़ आ जाती है, या कहीं पर अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, वहाँ के लोगों को किसकी हेल्प होती है, सोसाइटी से हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। जैसे आज की सिचुएशन में मैंने आपको बताया कि आज हमें सबको ही किसी न किसी तरह से हेल्प चाहिए थी, तो लोगों ने आगे बढ़ कर के हेल्प की। उसी तरीके से देयर कम्स अ टाइम व्हेन वी हीड अ सर्टन कॉल, वी नीड टू पे अटेंशन टुवर्ड्स द कॉल, ओके, जहाँ लोग बोल नहीं रहे लेकिन हमको आगे बढ़ के उनकी हेल्प करनी है, ओके। When the world must come together as one, there are people dying and it's time to lend a hand to life. Okay, when people are dying due to that difficult condition, and what we have to do? We need to come together. We need to come together and we need to help them out. Okay, the greatest gift of all, we can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We can't wait for someone. हम किसी और का help नहीं ले, हम किसी और का इंतज़ार नहीं कर सकते कि कोई और आके वहाँ पर help करेगा। We all are children of God and ये जो earth पर जो भी कुछ हो रहा है ये हमारी responsibility है, एक दूसरे की मदद करना हमारी responsibility है, okay? So what we have to do? We have to lend a helping hand. हमको किसी की मदद करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। Understood children? We all are a part of God's great family, great big family, and the truth you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we are making. We are saving our own lives. It's true, we'll make a better day. Just you and me. So what here the artists are saying that we are the part of God's great big family, jo God ki family hai, we are all the members of the God's family, and what we are doing here, okay, what we have to do, we have to give love to everyone, okay, whatever we can give, we need love, all of us need love, each and every person on this earth need love, okay, and what we can do, we can give love to them, we can give help to them, okay, we are the world, humse milkar duniya bani hai, theek hai, hum duniya ka hissa hum hai, we are the children, hai na, we are the ones who make a brighter day, aur hum hi yahan par kya kar sakte hain, change la sakte hain world mein, we can bring a great change. So what we have to do, we have to give, we have to take our heart out, okay, there is a choice we are making, we are saving our own lives, okay, what we are doing, we are going to help, and we are going to help those people who are directly or indirectly coming to help us, okay, they are all coming to help us directly or indirectly, okay, so we are going to help such people, है ना। अभी भी हमने सिचुएशन में देखा ऐसे कई थे हमारे घर पर, जो अंकल सब्जी लेकर आते हैं, या जो अंकल हमारे घर से लॉन्ड्री के कपड़े ले जाते हैं, ऑल दीज पीपल नीड आर हेल्प एंड वी केम फॉरवर्ड टू हेल्प सच पीपल। इट्स ट्रू, वील मेक अ बेटर डे, जस्ट यू एंड मी, एंड हु कैन मेक दैट चेंज, हु कैन मेक दिस डे बेटर, जस्ट यू एंड मी, हम और आप मिलकर यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं।
Send them your heart so they'll know that someone cares and their lives will be stronger and free. As God has shown us by turning stone to bread, and so we all must lend a helping hand. So what we have to do, send them your heart so they'll know that someone cares. Okay, yahan par what the artist is saying that you can help them and send this help. We will send this help to those people ताकि उन्हें लगे कि नहीं कोई हमारी मदद करने के लिए दुनिया में है. ओके, बिकॉज वॉट गॉड हैज़ टॉट अस, गॉड हैज़ ऑल्सो टॉट अस दैट ओनली ना कि जो सोसाइटी का वीकर सेक्शन है हमको उसकी मदद करनी चाहिए, है ना. एंड इवन गॉड हैज़ हेल्प टर्निंग स्टोन टू ब्रेड, है ना, पत्थर को उन्होंने रोटी बनाकर उन्हें बताया है. एंड सो वी ऑल मस्ट लेंड अ हेल्पिंग हैंड, और इसलिए हमको भी क्या करना है, सबको मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाना है. वी आर द वर्ल्ड, वी आर द चिल्ड्रन, वी आर द वंस हु मेक अ ब्राइटर डे. सो लेट्स स्टार्ट गिविंग. दे आर आस्किंग फॉर पीपल टू हेल्प, टू गिव अ हेल्पिंग हैंड टू सच पीपल. ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस सॉन्ग.